नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने एकमात्र ऑथेंटिक चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों के लिए मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करूँगा जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और आप सब लोगों के हित में है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा शेयर तो कर ही देना, जिससे सभी को उचित लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वेटिंग लिस्ट के बारे में आजकल बहुत चर्चा चली हुई है और उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम कुछ नहीं हैं, करने वाला वो केवल परम पिता परमात्मा है, हम तो केवल एक माध्य हैं। और इसमें जो कल घटना घटित हुई है, जो वेटिंग लिस्ट आई है PRT की, उसमें 3-4 बंदों का बहुत बड़ा हाथ है, उनको आपको भूलना नहीं चाहिए। एक एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर, उनको सत्सर प्रणाम है, हैट्स ऑफ है, उन्होंने इस केस के लिए बहुत फाइट किया, हमारा बहुत साथ दिया। दूसरा है स्टडी 24 के श्री हरबीर सिंह जी, उन्होंने भी इस केस में जी जान से काम किया और उसके लिए हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और ऐसे ही एक हमारे बैक टू स्कूल के हैं अजय जी, उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अब हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा। जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी और भी लिस्ट आएगी क्या, किसकी? PRT MCD 16/17 और 1/18 की। देखिए, जो 131 बच्चे पेंडिंग में, उनकी तो लिस्ट आएगी ही आएगी। अगर उनमें से कोई नहीं आता है, उनके रिप्लेस में आई कांट से कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन 50-50% है कि एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। वो तो आना ही है 131 बच्चों का, लेकिन उसमें और बच्चे इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जितने भी आपके PGT है, TGT है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब की वेटिंग आएगी। और आपने देखा होगा इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट दी है 20 नंबर सीरियल नंबर पर, 21 सीरियल नंबर पर दी है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है और वो 23 मार्च को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंसिडर करके ये रिजल्ट दिया। तो इसका मतलब ये है कि सभी विषय के लिए उन्होंने कंसिडरेशन दे दिया है करीब करीब 6 महीने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब हम इसको बेस बनाकर कहीं भी जा सकते हैं और अपना हक पा सकते हैं, क्योंकि जब PRT में दे सकते हैं तो वाई नॉट इन अदर्स। तो ये हमारे लिए कल एक मील का पत्थर साबित हुआ है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है ये हमारे लिए कल की। और मुझे पूरी अपने ऊपर, आपके ऊपर और सिस्टम के ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरी विश्वास है मुझे कि हम जो हमारा ये चला हुआ है वेटिंग लिस्ट वाला एक मुहिम चली हुई है, ये पूरी होगी और सभी की वेटिंग लिस्ट आएगी। अब हम बात करते हैं, कुछ इंग्लिश TGT के बच्चे हैं जिनके E-dozier का मामला है और वो अभी तक कहाँ नहीं पहुँचे हैं, DOE नहीं पहुँचे हैं DSSP से। तो इस केस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल या आज अशोक सर से बात करूँगा इस मसले पर। और आगे जो क्या इन्फॉर्मेशन है, किसके लिए, जो हमारी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आने वाली हैं और जो हमारी TGT की वैकेंसी आने वाली हैं और PGT की जो वैकेंसी निकली थी उनके एग्ज़ाम कब हैं, क्या है, इस रणनीति पर मैं शाम को आपको बताऊंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज जब तक मेरे पास नहीं होती है मैं नहीं बताता हूं। वेटिंग की आज शाम को रिजल्ट आया, मैंने सुबह ही मैंने आपको हिंट दे दिया था, मैं ये नहीं बताया था कि कब होगा क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता था कि कभी भी आ सकता है, मैं यही बोलता रहा हूं कभी भी आ सकता है, और वो आ गया और आ रहे हैं और आते रहेंगे ऐसे ही। चलिए, जो ये 3 टॉपिक हैं, कौन से, एक तो स्पेशल एजुकेटर और की वैकेंसी, TGT की एक वैकेंसी और
एग्जाम कब होंगे इसको इसकी वीडियो लेकर मैं शाम को आ रहा हूँ विद ऑथेंटिक न्यूज। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ शेयर द वीडियो।